हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है प्रियंका। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस में। जैसे कि अभी आपने थंबनेल में देखा होगा, दो नए आईपीओ आने वाले हैं। अभी 2 महीने के बाद आईपीओ का दौर चालू हो गया, 2 महीने बाद आईपीओ शुरू हुए हैं। इसके पहले भी आपने सिरिमा और ओलाटेक इन सबका भी आईपीओ देखा और अप्लाई भी शायद किया होगा। ये आपके ऊपर है आपने किया कि नहीं, लेकिन इनके भी आईपीओ आ चुके हैं। और इसी के साथ दो जो नए आईपीओ हैं इनके बारे में बात करें, इनकी डेट क्या है, इश्यू डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है और इनका पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, यहाँ बात कर रही हूँ मैं रहतन टीएमटी की। ये जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये जो गुजरात की बेस कंपनी है, 1984 में इस्टेब्लिश हुई थी गुजरात में। कंपनी कि आप बात कर, जैसे स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया है कि देखिए 1984 में शुरू की थी कंपनी और गुजरात की कंपनी है। और कंपनी का अभी कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं आया है, लेकिन हाँ थोड़ा जो भी डिटेल आया है हम यहाँ पे उसको देख लेते हैं। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के पहले उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेना चाहिए। अगर कंपनी आपको अच्छी लगती है उसके बाद ही आप कंपनी पे जाना चाहिए। इस तरह के आईपीओ को अप्लाई करने के लिए पहले लिस्टिंग गेन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ की। वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट ग्रुप्स, लोकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आप देख रहे हैं कि कंपटीटिव स्ट्रेंथ कंपनी की अच्छी है। कंपनी ने बढ़िया इसको वेल मैनेज किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है कि किस तरीके से कंपनी वर्क करेगी। ठीक है, कंपनी की जो बात करें, कंपनी का जो अभी तक का डेटा देखा गया है बहुत अच्छा नहीं है, बहुत नहीं कह सकते कि नहीं शानदार डेटा है। जैसे कि आगे मैं बात करती हूँ इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं तो 31 मार्च 2020 तक देखें तो कंपनी का टोटल एसेट 3,046 था, उसका टोटल रेवेन्यू 2,008 था। और देख सकते हैं आप नेट वर्थ 30, प्रॉफिट देख सकते हैं माइनस में। मतलब 2020 से 31 मार्च 2021 तक कंपनी ने 20 में तो लॉस किया है, 2021 में बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं, लेकिन 2022 में कंपनी ने जोरदार प्रॉफिट किया है कंपेयर टू प्रीवियस, मतलब उस हिसाब से जोरदार परफॉर्मेंस कंपनी करती हुई नज़र आई है। तो इस तरह की कंपनी, मैंने पहले ही बोला कि इस तरह की कंपनी में ऐसे जो पहले इतनी लॉस में है और अभी एक साल में इतनी, तो इस तरह की कंपनी में अप्लाई करने के पहले लिस्टिंग गेन पर ध्यान देना चाहिए, उस हिसाब से ही अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं इसका आईपीओ डेट 22 अगस्त को शुरू होने वाला है, क्लोजिंग इसकी 25 अगस्त को, अलॉटमेंट 30 अगस्त को है और रिफंड 1 सितंबर को है और शेयर टू डीमैट 2 सितंबर को है और लिस्टिंग डेट जो है 5 सितंबर को है। तो आपको यहाँ पे सारी इम्पॉर्टेंट डेट मैंने हाईलाइट कर दीजिए, इन डेट को ध्यान में रखिए। आईपीओ शुरू होते ही 22 अगस्त को मत अप्लाई करिए, आप थोड़ा वेट करिए 1-2 दिन का। उसके बाद इनकी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए, इनकी लिस्टिंग देखिए, उसके बाद आप विचार करिए कि आपको क्या करना है। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि इसमें आपको करना है या नहीं करना है। अब बात करते हैं कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, कंपनी का आईपीओ प्राइस 70 पर शेयर है, कंपनी के एक लॉट में 2,000 शेयर हैं, कंपनी का फ्रेश इशू भी हो रहा है, कंपनी की लिस्टिंग BSE और SME में हो रही है, रिटेल शेयर 50% और EHNI का 50% है कंपनी का। आपको मैंने हाईलाइट करके कंपनी पे हाईलाइट कर दिया, चाहे आपको समझने में और आसानी हो। मिनिमम साइज 2,000 है, इसके लिए आपको 1,40,000 की आवश्यकता होगी। मतलब ये कंपनी में आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्री इशू शेयर होल्डिंग 99% है, पोस्ट इशू शेयरिंग 62% है, जो कि बहुत प्रमोटर होल्डर की शेयरिंग बहुत शानदार है। इस तरह का एक तरीके के पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। इसमें अप्लाई करने के पहले आप थोड़ी चीज़ों को और ध्यान में रखें। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, नेट्रो इंडिया बुल कंपनी, एक इंडिया बुल कंपनी है। इसके ये एक FMCG कंपनी में काम करती है। इसका जैसे आपको स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया है, ये खुद के ब्रांड है, इसको ये ब्रांड को चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल करती है और डायरेक्ट होल सेलर के द्वारा इसको मार्केट और एजेंट के द्वारा मार्केट में लाती है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूँ, ये अवार्ड प्रोडक्ट हेल्प टू क्रिएटेड टू डिवर्सिफाइड कस्टमर बेस्ड कंपनी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर है, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर है। मतलब ये कंपनी गारमेंट्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, रियल इस्टेट, बहुत सारी फील्ड में काम करती है, जो कि इस तरह के कंपनी
उसके लिए आप जान सकते हैं इसका रिस्क मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसके लिए पहले आप इसकी देख लेते हैं डेट और फाइनेंशियल। फाइनेंशियल देखते हैं 31 मार्च तक 2020 तक कंपनी का टोटल एसेट 951 है। टोटल प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का 78 है। 31 मार्च 2021 74 है। 31 मार्च 2022 में 109 है। मतलब कंपनी ने लगातार अपने आप को इम्प्रूव किया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंपनी का। फाइनेंशियल अगर बात करूँ इंफॉर्मेशन की तो अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं लेकिन हाँ ठीक है, जिस हिसाब से कंपनी है उस हिसाब से इसका फाइनेंशियल भी सही है। ठीक है, इस तरीके कंपनी में अप्लाई करने के पहले आप कंपनी के बारे में हमेशा उसका फाइनेंशियल चेक करें, उसका एसेट चेक करें, उसने कंपनी कैसा अभी तक का परफॉर्मेंस किस फील्ड से ज़रूर चेक करें। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग जो है प्री 42 है, पोस्ट इशू शेयरिंग 27 है। जो कि 27 आप देख सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी की शेयर होल्डिंग 50 प्लस होनी चाहिए, 50 तो होना ही चाहिए, ये एक माइनस पॉइंट है। अगर है शेयर होल्डिंग नहीं है तो इसका एक मतलब है कि ये नेगेटिव साइन को दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी इम्पोर्टेंट डेज की, इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं इसकी, तो 22 अगस्त मतलब कल से ही स्टार्ट होने वाला है मंडे से, और इसकी क्लोजिंग की बात करें 24 अगस्त है। उसका साइज देखें 10.92 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 पर इक्विटी शेयर है, 30 पर इक्विटी शेयर है। इस तरीके की कंपनी में भी अप्लाई करने के पहले आप थोड़ा एक बार विचार करिए। और लिस्टिंग BSE और SME में हो रही है, इशू साइज आपको बता दिया, और इस कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। IPO लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, इस कंपनी ने कुछ ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं किया है। इस कंपनी में आपको एक लॉट के लिए 120,000 रुपये की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस कंपनी का बस IPO कल से ही लॉन्च होने वाला है। इसी तरह के और अपडेट के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं इस कंपनी के IPO लॉन्च होने के बाद इसके प्रीमियम फ्री मार्केट सब कुछ बताऊँगी, और वीडियो लाऊँगी जिसमें आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी कि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी मार्केट में कैसा चल रहा है, कितनी IPO के लिस्टिंग हो चुका है, तो सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगी। और हाँ, आपने अभी तक अगर आप भी IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अभी नए हैं और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में एक डीमेट अकाउंट लिंक दिया हुआ है, जिससे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है जिस पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, और अगर आप IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप चाहें तो अपने फैमिली के अलग अलग अकाउंट से अप्लाई करिए, जिससे आपके चांसेस प्रॉफिट के बढ़ जाते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।